बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू माय चैनल, लेट्स अनबॉक्स लिटरेचर। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सो यू डोंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एसे, द वाइटमैन बाय डॉक्टर कैनेथ फॉल्कर। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे जो आपके अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके प्यारों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए भी, और जिन जिनको आप जानते हैं उनको भी एक अच्छी एडवाइस कर सकते हैं कि उन्हें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो इन दिस ऐसे राइटर ट्राई टू टेल अस अबाउट द कैटेगरी ऑफ वाइटामिंस, लाइक विच वाइटामिंस आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड विच प्रॉब्लम्स और डिसीज इट कैन बी कॉज इफ़ वी डोंट नॉट टेक द प्रॉपर डाइट। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डाइट ना लें तो हमारा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अगर हम उन विटामिन्स को अपने डाइट में इंक्लूड ना करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें ऐसे में पता चलेंगी, तो आपने ट्राई करना है लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से समझना है, ताकि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्लियर हो जाए और आपकी जो अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी अच्छे से बेनिफिशियल थॉट्स मिल जाएँ। ठीक है, आइडियाज़ मिल जाएँ। तो सबसे पहले हम समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द विटामिन बाय डॉक्टर कैनेथ फॉल्कर। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने राइटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने ऐसे क्यों लिखा। सो डॉक्टर कैनेथ फॉल्कर, मेडिकल सेक्रेटरी, ब्रिटिश सोशल हाइजीन काउंसिल, वॉज अ कंसल्टेंट सर्जन इन लंडन। ठीक है, ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर हु रोट टेक्निकल एज वेल एज पॉपुलर बुक्स, यानी कि उन्होंने काफ़ी मशहूर किताबें लिखी। हिज राइटिंग स्टाइल, अब इसने स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, इज क्वाइट नीट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विच सूट्स हिज पर्पस एक्सीलेंटली, यानी कि जो भी उन्होंने बताने की कोशिश की, जो भी लिखने की कोशिश की, मैसेज तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हर कोई उसको समझ सके और उससे फ़ायदा उठा सके। द मॉडर्न ऐसे, अब हम पहले हमने राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, अब हम ऐसे के बारे में देखते हैं कि क्या है जी। बेसिकली एक वर्क लिखा था हमारे राइटर ने, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें से एक पार्ट लिया गया द वाइटमिन, जो कि इंक्लूड हमारे एडीपी के सिलेबस में। नाउ इट हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट हेल्थ कैन नॉट बी मेंटेन ओनली ऑन डाइट, मेल न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। अब हर कोई समझ चुका है इस बात को कि जितना हम लोग जंक फूड खाते हैं, जितना हम लोग की जिंदगियों में प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ चुके हैं, हर किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। तो हर कोई ये चीज़ समझ चुका है। ह्यूमन बॉडी नीड सम इसेंशियल एलिमेंट्स, इंसान की जो जिस्म है, इंसान की जो बॉडी है, उसको कुछ प्रॉपर एलिमेंट्स चाहिए होती हैं। अगर वो ना हो तो क्या होता है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। सो इट बिकम नेसेसरी, ये क्या ज़रूरी हो जाता है टू प्रोवाइड सर्टन विटामिंस टू बॉडी बट इन बैलेंस्ड वे। अब ये भी तो नहीं है ना कि अगर एक चीज़ को हम कहीं टेक ले रहे हो तो हम उसको ओवर ले लें, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये चीज़ यहीं पे दी गई कि हर चीज़ प्रॉपर अमाउंट में ज़रूरी होती है। देर आर टू मेजर टाइप, अब हमें क्या बताया जा रहा है, टू मेजर टाइप्स ऑफ विटामिंस। सम आर फैट सोलेबल, कौन से होते हैं जी, फैट सोलेबल, एंड सम आर वाटर सोलेबल। इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये आगे हमें पता चलेगा। टू टाइप्स होती हैं, ये माइंड में रखें, नंबर वन इज़ फैट सोलेबल एंड नंबर टू इज़ वाटर सोलेबल। सो जी द फैट सोलेबल, अब हमें इसको डिस्क्राइब करें, आर विटामिन ए डी एंड ई। कोई आपसे पूछे कि फैट कितनी टाइप्स होते हैं, तो आप बताएंगे टू टाइप्स होती है, नंबर वन इज़ फैट सोलेबल, वो कौन कौन से होते हैं ना, विटामिन ए डी एंड ई। विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन कोड लिवर ऑयल एंड इन स्मॉलर अमाउंट इन बटर एंड ग्रीन वेजिटेबल। अब देखिए हमें सोर्सेज में बता दिया गया है कि विटामिन ए किन की चीज़ों में मौजूद होता है। एब्सेंस ऑफ दिस विटामिन, अब हमें बता रहा है कि विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है, कॉजेज इंस्टेंट ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ, इट लैकनेस ऑल्सो रिड्यूसेज नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्रोथ में प्रॉब्लम और इश्यूज आ जाते हैं। सेकेंड, फैट सोलेबल विटामिन डी इज प्रेजेंट इन कोड लिवर ऑयल, एनिमल फैट, बट नॉट फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स। अब डी के पहले किसकी बात की हमने, विटामिन ए की, फिर किसकी बात की, विटामिन डी की। हमने रीजन भी बता दिए, ठीक है, और रिसोर्सेज भी बता दिए कि अगर ना हो तो क्या इशू क्रिएट होता है। इट्स एब्सेंस इन द बॉडी बिकम्स द कॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन। आपने सुना होगा रिकेट्स की बीमारी, ठीक है, तो बच्चों में बीमारी क्रिएट हो पैदा हो जाती है। सनलाइट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग विटामिन डी, आप सबको पता है। तभी तो कहते हैं ना धूप में बैठना चाहिए, बट गर्मियों की धूप में नहीं, सर्दियों की धूप में और
हल्की फुल्की धूप जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे आप में। इट कैन ऑल्सो बी गॉट फ्रॉम कोड लिवर ऑयल। द थर्ड फैट सोलबल वाइटामिन इज ई। पहले किसकी बात की हमने, ए डी, और अब किसकी बात हो रही है, ई की। इज ऑल्सो नोन एज एंटी सेरेलिटी वाइटामिन। द एब्सेंस ऑफ इट इन डाइट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। इट कैन बी फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटी इन फूड स्टफ, मोर स्पेशली इन लीव्स, सीडिंग एंड वीट जर्म ऑयल। तो हमें रिसोर्स भी पता चल गया किसके, वाइटामिन ई के। अब किसकी बात हो रही, पहले हमने बात की थी फैट सोलेबल की, अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं, वाटर सोलेबल की। ठीक है, टू टाइप्स होती है, फैट सोलेबल देखा हमने जिसमें ए डी ई, अब किसकी बात हो रही है, वाटर सोलेबल की जिसमें क्या है, बी और सी है। तो लैकनेस ऑफ वाइटामिन बी इज इन बॉडी कॉजेज वेरी वेरी, ये क्या है, बीमारी का नेम है। द पीपल हु यूज पॉलिश राइस सफर फ्रॉम बेरी बेरी, वाइल हस्क राइस क्योर बेरी बेरी। आपको पता है हस्क राइस कौन से होते हैं, जिनके ऊपर वो छिलका सा होता है राइस का, तो ये क्या उनसे क्योर होता है। वाइटामिन बी इज फाउंड इन यीस्ट, कहाँ कहाँ पाया जाता है, यीस्ट में। इट यूज ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्लेजरा। द वाटर सोलबल वाइटामिन सी इज एंटी स्क्रोबिक वाइटामिन दैट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वेजिटेबल, जर्मिनेटिंग पीस, बीन्स, लार्ज क्वान्टिटी इन लेमन एंड ऑरेंजेस। आपको पता है सी के बारे में, तो आपको पता है ना ऑरेंज और लेमन में वाइटामिन सी एक्सेसिव में पाया जाता है, एक्सेस में पाया जाता है। इट लैक्स कॉजेज मैनी डिसीजेज। ठीक है, लैकनेस कॉजेज मैनी डिजीज, की कमी क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैनी वाइटामिन गो वेस्ट ड्यूरिंग मिल प्रोसेस। ठीक है, अब वन शुड बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। समटाइम क्या होता है, ये तो मिल प्रोसेस तो अलग की बात है, समटाइम हम सब्जियों को इतना पका देते हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर जो जो भी हमारी गजाइत होती है वो चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तक कि समरी थी, आपको टाइप्स का पता चल गया, आपको ये पता चल गया कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से उनके क्या बीमारियाँ क्रिएट होती हैं उनके एब्सेंस से। अब हम आ रहे हैं डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ वाइटामिन एंड देयर डिस्कवरी। ये भी एक तरह से आपका देखिए क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में ही आपको समरी के और मज़ीद पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगेन डॉक्टर वॉल्कर के यहाँ पे आपको सारा कुछ मैंने आपको बताया, अगेन वही बातें यहाँ पे की गई हैं कि वाइटामिन कहाँ से लिए गए, ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया गया, वो कौन थे, ये सारा इंट्रोडक्शन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है जी, इन द बिगनिंग ओनली 5 बेसिक इन्ग्रीडियंट्स ऑफ फूड वर नॉन। अब हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, शुरुआत में कहा था सिर्फ 5 बेसिक इन्ग्रीडियंट्स लोग मालूम थे, फिर क्या हुआ, लोगों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक नेम है, इन 1906 सर एफ गोलैंड हॉपकिंस, ये नाम आपने याद रखना है, कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट। ये पहला इंसान था जिन्होंने लॉ ऑफ वाइटामिन को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और बताया कि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स किया, रैट्स पे, चूहों पे, ही केप्ट दीज रैट्स ऑन अ डाइट ऑफ प्योर प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, वाटर, बट स्टिल दे डिवेलप्ड द साइन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इट डिवर्टेड द अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट टू एन अदर इन्ग्रीडियंट दैट वॉज स्टिल नॉट नोन। मैं देखे ना एक्सपेरिमेंट्स करते गए आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चला कि अच्छा ये चीज़ इंसान की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है कोई भी एक्सपेरिमेंट हो पहले वो एनिमल्स पे किया जाता है। दिस इन्ग्रीडियंट वॉज नीडेड टू कीप वंस बॉडी परफेक्टली हेल्थी। लेटर एक्सपेरिमेंट डिस्कवर इट एंड इट वॉज नेम्ड एज द वाइटामिन। देख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वाइटामिन भी बहुत ज़रूरी है। अगेन जी, इन 1906 अ डिसीज कॉज्ड स्कर्वी, आपने ये ज़रूर सुना होगा जो 8-9 की साइंस में ये बीमारी का नेम है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि डिफरेंट बीमारियाँ आती चली गई और लोगों ने साइंटिस्ट ने वाइटामिन के थ्रू क्या किया, जैसे पैरालिसिस है और भी काफ़ी है, वीकनेस, और सबसे आई साइड की वीकनेस, और ये सारी जो थी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ बढ़ती चली गई, और साइंटिस्ट ने क्या किया इन पर तजर्बात करने शुरू कर दिए, और वाइटामिन्स के थ्रू इनका क्या किया, रिसर्चेस करके इनका इलाज हासिल करना शुरू कर दिया। डिस्कस द रीजंस ऑफ रिकेट्स। आपको पता है रिकेट्स एक बीमारी का नेम है, ये भी आपने पढ़ा होगा साइंस के सब्जेक्ट में। सो रिकेट्स आर डिसीज कैरेक्टराइज बाई सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स। हड्डियाँ क्या होती हैं, नर्म होने लग जाती हैं और मुड़ने लग जाती हैं। ड्यूरिंग द रिसर्च ऑन रिकेट्स टू कम्प्लीटली डाइवर्जेंट थेरीज वर प्रेजेंटेड अबाउट इन इट काजेज, इसके रीजन्स क्या थे, काजेज क्या थे। तो टू थेरीज पेश की गई। अकॉर्डिंग टू सम इन्वेस्टिगेटर्स इट वॉज प्योरली अ डाइट डिफिशेंसी डिसीज। रिकेट्स की बीमारी क्यों थी, सिर्फ जब बच्चों के अंदर कमी रह जाती है किस चीज़ की, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही थी, खुराक नहीं मिल रही थी, तो उनके अंदर हड्डियों की
बीमारी आ जाती है। एट द सेम टाइम सम इन्वेस्टिगेटर बिलीव दैट इट वॉज रिलेटेड टू द फिजिकल इन्फॉर्मेट ऑफ द पेशेंट बिकॉज रिकेट ऑलमोस्ट ऑलवेज अटैक चिल्ड्रन लिविंग इन डार्क इंडस्ट्रियल सिटीज एंड वॉज क्विकली क्योर्ड वैन दे वर ब्रॉट इन टू द सन लाइट। देखो कि उन्हें क्या हुआ। अब देखो कहते हैं कि बहुत कैल्शियम बहुत अच्छा होता है किसके लिए, बोन्स के लिए। तो ये सारे सोर्सेस थे, अगर यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही थी तो लोगों ने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, नहीं की जा रही थी तो उनमें डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट बीमारियाँ क्रिएट होने लग गई। और फिर क्या हुआ, बीमारियों को हल करने के लिए लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस की और क्या हुआ, उनको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते चले गए। फिर क्या पता चला, द मेन कॉज वाज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। देखा विटामिन डी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। दैट्स व्हाई रिकेट्स मे बी कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ विटामिन डी और बाय द लैक ऑफ सनलाइट। दो रीज़न सामने आए। देखा अब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और आप फर्दर भी ख्याल रखेंगे अपने रिलेटिव्स में और अपने फ्रेंड्स में। विटामिन डी इज़ प्रेजेंट इन कोड लिवर ऑयल एंड एनिमल फैट। सिमिलरली इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू सनलाइट दैट ट्रांसफॉर्म अ सर्टन फैट फाउंड इन द स्किन टू विटामिन डी। ठीक है, सो दिस डिसीज़ कैन बी क्योर्ड इन टू वेज। कि आप विटामिन डी के ऐसी चीज़ें लें जिसमें विटामिन डी मौजूद हो, और सेकेंडली आप धूप में बैठने ताकि आपकी बॉडी को विटामिन डी मिल सके। अगेन लास्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कैसा क्या करना चाहिए कि कमी दूर हो। अब देखिए ये चीज़ें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हैं, आपका क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन आपको अपने लिए भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। टुडे वी फुल यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन। हम सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। वी ऑल्सो नो दैट द यूज़ ऑफ अल्कलीज इन फ्लोर ग्राइंडिंग एंड इन द माइलिंग ऑफ राइस इज स्ट्रॉन्गली हेल्पिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन फाउंड इन डिफरेंट फूड स्टफ। हम लोग के खाने पकाने के तरीके चेंज हो गए हैं। हम लोग इतना चीज़ों को पका देते हैं कि उनके अंदर जो हेल्दी चीज़ रहती है ना, वो विटामिन्स वो न्यूट्रिशन हमें मिल ही नहीं पाते। ठीक है, क्या हीट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खाने को नहीं पकाना चाहिए, बॉइल्ड वेजिटेबल यूज़ करनी चाहिए ताकि उनके अंदर जो उसके विटामिन्स मौजूद हैं हम तक पहुँच सकें। द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज डू नॉट पे अटेंशन टू इट, सो पीपल शुड टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन बाई कम्पनसेटिंग द लॉस ऑफ विटामिन बाई टेकिंग देम इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। लोग क्या करते हैं, अच्छी गिजा तो लेते नहीं हैं, ठीक है, बर्गर फास्ट फूड ये सब कुछ खाते हैं, लेकिन जब कमी हो जाती है तो टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। इन दिस वे द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मिलर्स एंड मैसेज विल बी सिक्योर्ड एट द सेम टाइम। तो क्या फिर ठीक है, अगर लोगों ने अपना तरीका नहीं चेंज करना, ठीक है, तो बेहतर है कि आप एटलीस्ट विटामिन्स को टैबलेट्स की फॉर्म में ही ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। तो ये था जी, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसा था। कोई कोई कन्फ्यूजन हो कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।